रहीम आसाइन कुनी नाजीन नीलम शहजादी आपकी खिदमत में हाजिर नई रेसिपी लेके। तो संडे का दिन है, मैंने कहा बच्चों के लिए अच्छी 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 रेसिपी बताऊं और आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं कि ऐसी रेसिपी सुबह सुबह बच्चों के लिए संडे वाले दिन कोई अच्छी से अच्छी चीज़ बनाए जिससे बच्चे भी खुश हो जाएँ, आप लोगों का हस्बैंड भी खुश हो जाएँ। तो ये समझ लें गिफ्ट है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए सुबह सुबह। तो जी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पास्ता है प्याली हमारे पास, ठीक है, इसको हम बॉईल कर लेंगे, ठीक है। और क्या नाम है, गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, चिकन है जिसको मैंने स्टीम किया हुआ है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, भूखों वाले प्याज है, ऑयल है, ठीक है, दो चम्मच, और काली ताकि चलूँ इसमें काली मिर्च है, पीसी हुई और दादरी और चाइनीज़ नमक, ठीक है, सोया सॉस है हमारे पास और सिरका है, सॉरी, और ये सोया सॉस, ठीक है। करेंगे क्या, अब हम सबसे पहले रख दिया उबाल आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ठीक है, इसमें पास्ता डाल दूँगी, 10 मिनट तक पास्ते को पकाएंगे, ठीक है। ला लें पहले एक पैस कर छे लें, पास्ता हमारा पूरी तरह से देखें उबाइल हो गया, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने एक चिंगेर में निकाल दिया, इसको फैला दिया, फिर आपस में ये चिपक ना जाए, ठीक है। ये फ्राई में मैंने ऑयल डाला, अब इसमें मैं सबसे पहले प्याज डालूंगी। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने ही तरीके से बनाती हूँ, किसी के तरीके की तरह मैं नहीं करती हूँ, तो ये मेरा अपना तरीका है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले वो ये लहसुन को करते हैं, ठीक है ना, ऑयल में। तो मैंने पहले ये प्याज डाला है, ठीक है। अब मैं इसमें भूखों वाला प्याज, टमाटर और लहसुन तीनों चीज़ें कट्ठी डालूँगी, सब पकाया। अब मैं इसमें गाजर डालूंगी, गाजर को 2-3 मिनट मैंने फ्राई किया, तो अब मैं इसमें आधा ग्लास पानी डाल दूंगी, तो गाजर को अच्छे गल जाए, ठीक है। तो कुछ देर के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ, हमारी देखिए गल गई है, तो मैं शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल दूंगी, ठीक है। मैं चाइनीज नमक, काली मिर्च और पीसी दादरी मिर्च डाल दूँगी, सोया सॉस तकरीबन 1 चम्मच, ठीक है, और सिरका 1 चम्मच अंदाजा, ठीक है, मिक्स कर दूँगी जी। और इसमें मैंने खुद घर में कल बनाई थी केचप, टमाटो केचप वो डाल दूँगी, आप देख सकते हैं 1 से 2 चम्मच बेहतरीन केचप, भी आप मेरी कल की रेसिपी में देख सकते हैं लाहौरी किचन में, केचप घर पे बनाने का तरीका, बेहतरीन केचप ये मेरी रेसिपी हुई है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, दम दे दूँगी इनको के 4 से 5 मिनट का। अब 5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, अब मैं इसमें चिकन जो मैंने पहले से घुलाया हुआ था डाल दूँगी, पहले मैंने इसलिए नहीं डाला था कि ये स्टीम किया हुआ है घी में, ठीक है, ये बिल्कुल टूट जाता अगर मैं इसे पहले डाल देती, ठीक है। अब मैं ये पास्ता जो है, ठीक है, ये देखिए इसको ऐसे ऐसे खोल लूँगी के चिपके ना आपस में, इसको भी मैं डाल दूंगी इसमें, ठीक है। ये पास्ता मेरा रेडी हो गया, ठीक है, बेहतरीन पास्ता रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को नीलम शहजादी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स भेजा करें। तो ठीक है नाज़रीन, इससे पहले जो मैंने रेसिपी रेडी की थी अभी, तो ये हमारी थी क्या नाम है, चाइनीज़ बिरयानी। तो आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आया करें
तो आप प्लीज़ बताया करें, कमेंट्स भेजा करें, ठीक है। तो ये थी हमारी जनाब बिरयानी और क्या नाम है ये हमारा पास्ता, ठीक है। तो आप नीलम शहज़ादी को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको कोरोना वायरस से बचाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप अपने हाथ बार बार धोते रहें और एहतियात करें, कोरोना से डरना नहीं सिर्फ लड़ना है, तो ठीक है। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल होगा तो कुछ भी नहीं होगा। 5 वक्त की आप अपनी नमाज़ कायम करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से बचाए। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, ओके, खुदा हाफिज़।